हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी राम राम। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो सीपीओ का एग्जाम बिल्कुल पास आ गया है, लगभग 40 से 45 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। तो जो सबसे ज्यादा पैनिक करता है लास्ट डेज में, वो करता है जीके कि उसको कैसे कवर करे, और बहुत ज्यादा बच गया क्योंकि जीके की हम ना इतनी प्रैक्टिस कर पाते हैं, ना चीजें हमारे माइंड में रिटेन रह पाती है ज्यादा लंबे टाइम तक। और जो बच्चे सीजीएल से रिलेटेड होते हैं वो लोग ज्यादातर मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो जीके उनको बहुत भारी लगता है कवर करने में। तो देखो, आज की वीडियो में मैं प्रॉपरली सिर्फ जीके और जीएस के बारे में ही बात करूंगी, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स सबको मैं कवर करूंगी, और एक फिक्स्ड सिलेबस आपको बता दूंगी कि इससे बाहर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना, इतना करोगे तो इनफ है। देखो, मैं ये नहीं कहती कि उसमें से पूरे आपके सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन अगर आप उससे एक स्टेप आगे जाके और बहुत ज्यादा मेहनत करते हो तो आप दूसरों से शायद एक या दो क्वेश्चन ज्यादा बना लोगे, और उसमें आपको इनपुट बहुत ज्यादा डालने पड़ेंगे, कई घंटे आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वही घंटे आप दूसरे सब्जेक्ट्स इंग्लिश या मैथ्स में यूटिलाइज करते हो तो वहां पर आप दूसरों से काफी अच्छी लीड ले जाओगे। और अब दिन भी हमारे पास काफी कम बचे हैं क्योंकि लास्ट डेज में तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी सीखना होता है, क्वेश्चन को जल्दी टैकल करना है, तो इस सब पे हमें काम करना होता है। और सीपीओ में आपके प्री के मार्क्स भी जुड़ते हैं, तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे हैं तो उनको तो बहुत ही अच्छे से अपना प्री देना है ताकि यहीं पर आप काफी अच्छी लीड ले जाओ। तो बात करते हैं जीके में। इसके हमारे पास एक तो नॉर्मली जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ये सब, दूसरा करंट अफेयर्स, तीसरा स्टैटिक, तीन पार्ट में इनको हम बांटेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे कवर करना है। तो देखो, मनोहर पांडे आपको पढ़ लेनी है, छोटी सी बुक आती है, 135 से 140 रुपए की आती है, वही बुक आपको पढ़नी है। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में कंफर्टेबल हो हिंदी में पढ़ो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वहां से मोटी मोटी आपकी हो जाएगी। अगर आपने जीएस में भी ज्यादा नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों ने लूसेंट पढ़ ली होगी तो वो उसे ही रिवाइज कर लो, या मनोहर पांडे पढ़ ली होगी तो उसी का ही रिवीजन रखना, कुछ नया उसमें ऐड मत करना। सिर्फ मनोहर पांडे को ही टारगेट रखो कि आपको उतनी पढ़नी है। उसके साथ देखो, सीपीओ में ना साइंस के क्वेश्चन अच्छे पूछ लेता है, तो कोशिश करो टाइम निकाल के, अगर दो दिन भी लग के बैठोगे, सैटरडे और संडे भी आप लेके बैठोगे, तो 9th और 10th की साइंस पढ़ लो सिर्फ, ज्यादा नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ने, डीप एक बार थोरोली रीड कर लो। मोटी मोटी चीजें से केमिकल फॉर्मूलाज हो गया, एक कार्बन वाला चैप्टर है वहां से क्वेश्चन हो गए, तो ये कुछ मोटे मोटे इजी क्वेश्चंस आपके फंस जाएंगे। लेंस वाला चैप्टर है जैसे, वहां से क्वेश्चन फंस जाएंगे, रेनबो वगैरह के अगर आए तो, इस टाइप के क्वेश्चन, कुछ फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है। स्टैटिक का क्या करना है, देखो 40 डेज है, और अगर हम पूरा ओवरऑल देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखें, तो 20 से 25 टॉपिक ही है एवरग्रीन स्टैटिक जीके के। डेली एक टॉपिक उठाना है और उसके प्रॉपर बकायदा नोट्स बनाने हैं, स्टैटिक जीके के नोट्स बनाने हैं आपको। अब अगले दिन पिछले वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना है और अगले वाला कर लेना है, हर दिन एक टॉपिक आपको करना है। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है, यूट्यूब पे टॉपिक का नाम डालो और जिसपे कुछ ठीक से व्यूज है, जिसका समझ में आता है ठीक से, 10 से 12 मिनट की वीडियो है, या तो अपने किसी फोल्डर में स्क्रीनशॉट सेव कर लो अपने लैपटॉप में या कहीं पे भी, ठीक है, वहां से रिवीजन करो। कहने का मतलब यह कि आपको मल्टीपल रिवीजन लगानी है एक टॉपिक की, जैसे आज आपने टॉपिक कवर करा, कल भी उसकी रिवीजन लगानी है, नेक्स्ट डे भी उसकी रिवीजन लगानी है, इस तरह से आपकी स्टैटिक कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स आपको मंथली बनाने हैं, मंथली आप कहीं से भी बना लो, परचम क्लासेस से बना लो या फिर नेक्स्ट एग्जाम से बना लो, यूट्यूब पे जहां भी ठीक से व्यूज आपको दिखाई दे, मंथली करंट अफेयर्स आप अपने वहां से बनाओ। और दूसरा एक चीज और, कुछ कुछ जैसे एवरग्रीन टॉपिक होते, जैसे अपॉइंटमेंट हो गए, बुक्स हो गई, ये कुछ, ये आपको आइडिया कहां से लगेगा कि मुझे कौन कौन से स्टैटिक के टॉपिक करने हैं, कुछ तो देखो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं शॉर्टलिस्ट करके अपने टेलीग्राम चैनल पर लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूं। बाकी आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बच्चे क्या करते हैं, जीके को सिर्फ पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते। उनको लगता है कि सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश प्रैक्टिस करनी होती है, जीके प्रैक्टिस नहीं करनी होती। लेकिन जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आपके माइंड में फैक्ट्स रिटेन नहीं होते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, पिछले 2 साल के जीके के पेपर बना लो, सीजीएल, सीपीओ, और अभी जो लास्ट आईबी का पेपर हुआ था उसके बना लो। ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेना जीके की, मनोहर पांडे पढ़ लेना, 9th 10th की साइंस पढ़ लेना, और डेली एक स्टैटिक का टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से फाइंड आउट करो। जैसे कि आपने एक मॉक लगाया, उसमें आप ये देखो कि स्टैटिक के कौन से टॉपिक पूछे हैं, तो अपना वो टॉपिक बना लो। जैसे आज आपने ये 25 क्वेश्चन लगाए हैं मॉक में, उसी में से अपना एक टॉपिक शॉर्टलिस्ट करो और उसको आप अपने उस दिन आप कंप्लीट कर लो। तो इस तरीके से आप जीके करोगे, तो मैं आपको पूरा यकीन दिलाती हूं कि अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो भी इन 40 दिन में बहुत, ये बहुत ज्यादा नहीं है, आप डेली का 2 घंटे भी आप मन लगा के जीके करोगे तो 40 दिन में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगा, और इससे आपके काफी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आप काफी अच्छी लीड भी लेके जा सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बाकी इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए ड्रीम एसएससी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है या नहीं भी करा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना ताकि हम ऐसे ही जुड़े रहे। जल्द ही मैं आपके लिए इंग्लिश स्ट्रेटेजी लेके आऊंगी कि 40 दिन में आप अपने इंग्लिश को कैसे रिवाइज कर सकते हो या पूरे तरीके से कैसे कवर कर सकते हो। तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।